हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी किचन में। होली आने वाली है तो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग डिश बनाई जाए जो सभी को पसंद भी आए और साथ ही साथ पौष्टिक भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना। मैंने ये धुइया वाली उड़द दाल ली है। मैंने रात भर के लिए इसे भिगो के रख दिया था और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। एकदम महीन पेस्ट बनाया है इसका ग्राइंड में। अब मैं इसे थोड़ा सा हाथ पर लूँगी। और उसे अपने दोनों हाथ की सहायता से मैं थोड़ा फैला के फिर उसे फोल्ड कर दूँगी, जिससे इसका शेप गुजिया का बन गया है। अगर आप हाथ पे ना बना पाए तो आप प्लास्टिक की यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल हमारा हाई फ्लेम पर गरम होना चाहिए। अब हम उसमें इस बड़े को छान देंगे। इसी तरह करके हम और बड़े बना लेते हैं अपने। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बड़ा फूल भी रहा है। हमारा वड़ा अच्छे से फूल गया है और गोल्डन हो चुका है। तो हम अब इसे निकाल लेते हैं एक एक करके प्लेट में। और इसी तरह हम सारे वड़े को छान लेंगे। कढ़ाई में से वड़ों को निकालने के बाद अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। हम इस पे डालेंगे पहले दही। उसके ऊपर से काला नमक, जीरा पाउडर, पीसी लाल मिर्च पाउडर। वैसे तो मार्केट में भी भुने जीरे का पाउडर मिलता है, पर आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। उसके ऊपर हम डालेंगे इमली की मीठी चटनी। अब हमारा दही गुजिया बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।